क्या परेशानी है कृष्णा जी? आप रात में दिखाई नहीं देता, दिन में भी दिक्कत हो रही है जी। तो ये कब से हुआ आपको? ये पिछले 10 साल से है जी। दिन में कम दिखा तो क्या चश्मे का नंबर लगाया? हाँ जी, फिर चश्मा लग गया मेरे। उसके बाद रात में कब से कम हुआ? रात में भी 8-9 साल से रात में नहीं दिखाई देता जी। तो रात में कम हुआ तो फिर आपने क्या घर से निकलना बंद कर दिया? नहीं, रात में टॉर्च लेके चलता था जी, दिक्कत होती थी। तो जब तक टॉर्च नहीं जलाता था तो मेरे को क्लियर नहीं होता था वो क्या है जी। उसके बाद सीढ़ियाँ क्लियर नहीं होती, एक सी सफेद रंग की हो या वैसे कलर की हो तो अंदाजे से चलना पड़ता है उसमें। कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया आपने? मैंने एम्स के डॉक्टर को दिखाया था और मथुरा में संजीवनी नेत्रालय है वहाँ डॉक्टर बासु को दिखाया था जी, उनका ट्रीटमेंट चला था। कहीं से कुछ फायदा आपको महसूस हुआ? नहीं जी, कहीं फायदा महसूस नहीं। तो दिन ब दिन जिंदगी बदतर होती चली जा रही है, रोशनी खत्म होती चली जा रही है। हाँ जी, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, कहीं से कोई फायदा नहीं है जी। डॉक्टर बासु साहब ने क्या कहा था आपसे? उन्होंने भी कहा खाते रहो आराम हो जाएगा। फिर मैंने 2-3 महीने दवाई खाई जी, कुछ नहीं हुआ तो फिर बंद कर। सबसे आखिरी में किसका इलाज लिया आपने? आखिरी में संजीवनी का जी, दिन भी बताया उन्होंने। तो ये कब बताया, किसने बताया? 2-3 साल पहले संजीवनी वालों ने चेक करा था, उन्होंने बताया था। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आंख बंद करिए आपकी। मेरी उंगली बता सकते हैं कितनी है? चेक करूँ? हाँ, अब 2 दिखाई दे रहे हैं, अब 5 है पूरा हाथ। तो चश्मे से आपको मात्र 1 मीटर के करीब लाइट तेज होती है तो दिखाई हाँ, पड़ता है। राइट आंख से, लेफ्ट आंख से देखें, राइट ये 2 है जी, ये पूरा हाथ है जी, ये 4 है जी। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन कौन से गोले हैं, किस कलर के हैं? इसमें नीचे वाला ग्रीन सा लग रहा है जी, एक येलो है, नहीं क्लियर हो। दूसरी आंख से देखिए, इससे तो नहीं चाहो। 6-3-9-5-2 नीचे, 4-2-8-3-5-6 दूसरी आंख से देखो, इससे नहीं दिख पाते। कभी भी किसी से घृणा मत करो। दूसरी आंख से देखो, ए पुअर कंट्रीमैन विच नेम वी विल लिव्ड विथ हिज वाइफ इन ए तो कृष्णा जी देखिए इसमें कुछ कलर की अक्षर लिखे हुए हैं, पहचान सकते हो आप? नहीं जी, अक्षर नहीं पहचान पा रहा। नहीं पहचान पा रहे? नहीं, अक्षर नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ डे ब्लाइंडनेस भी आ गई है जी, मोतियाबिंद आया है, तीसरा कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो गई है, तो आप कलर नहीं पहचान सकते हैं। साइड विजन आपका कब से कम हो गया? ये तो हो गया जी, 8-10 साल हो गए। के कारण क्या परेशानी होती थी आप? साइड में कुछ दिखाई नहीं देता जी, टक्कर लगने का खतरा। सड़क पे जाने आने में बड़ा कष्ट होता है जी, बड़ा देखभाल के निकलता हूँ, दिन दिन में निकलता हूँ, रात को तो आना ही बंद कर दिया जी। क्या किसी को साथ लेके जाते हैं? हाँ, रात में किसी ना किसी के संग ही आता हूँ जी। दिन में थोड़ा बहुत अकेला चला जाता हूँ जी, अपनी पुरानी जगह, नई जगह तो संग ले जाना पड़ता है। तो ये आपकी मुसीबतें जो हुई हैं इसका एक कारण मेन ये है कि आपकी पेरिफेरल विजन पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है, और आपको ये एक ट्यूबुलर विजन सरीका हो गया है, जैसे आप किसी पाइप में से आप देख रहे हैं। हाँ, उसी तरह से हो। किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो सिर्फ चेहरा दिखता है, कपड़े नहीं दिखते। हाँ, कपड़े हाथ मिलाता है तो हाथ भी नहीं दिखता जी एकदम। हाँ, कोई हाथ। हम प्रयास करेंगे आपकी सारी मुसीबतें जल्दी से जल्दी कम हो। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। आपका पहला कोर्स अब आज खत्म हुआ है जी, तो ये पेरिफेरल विजन आपका है ना जी, इसको आपका ध्यान है? पहले क्या था ये? हाँ, पहले तो बहुत थोड़ा सा था जी, हाँ बढ़ गया। तो चारों तरफ आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा है, इसी तरह लेफ्ट आंख में भी आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा है जी, वो तो काफी ड्रास्टिक बढ़ा है। हाँ, क्योंकि चारों दिशाओं में आपकी पेरिफेरल विजन बढ़ी है जी। ये पेरिफेरल विजन बढ़ने से आपको क्या फायदा महसूस हो रहा है? अब मेरे को दिखाई दे रहा है जी, क्लियरेंस बढ़ गया है। दूर से आते आदमी को आप देख लेता हूँ क्या? आपको आप भाई का हाथ पकड़ने की जरूरत महसूस होती है भीड़ में? नहीं, इतनी तो नहीं देती होती। जिस तरह आप पहले आप चला करते थे वो मुसीबत उससे कम है जी। देखें दूर में क्या फर्क आया है? ई दिखाई दे रहा है जी। ठीक, दूसरी आंख से देखिए, इससे तो DNCOLAY। जिस आंख से आप कुछ भी नहीं देख पाते थे, उंगलियां गिनने में भी परेशानी थी राइट आंख से जी, उसमें आज आपको एक अक्षर दिख रहा है। एक अक्षर होता है 6 मीटर पे, और 6 मीटर मतलब 20 फिट। तो राइट आंख से आपकी नजर हो गई है 20 फिट, और लेफ्ट आंख से आप चौथी लाइन के 3 अक्षर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मतलब 6×24 मीटर आपकी नजर लेफ्ट आंख से पहुंच गई है, जो कभी 3 मीटर के आसपास थी जी। 3 मीटर से 24 मीटर पहुंचना मतलब 8 गुना आपकी रोशनी बढ़ी है जी। इसके लिए
इस सफलता के लिए आपको और आप सरी के बहुत से मरीज, बहुत सारे पेशेंट, परेशान हताश पेशेंटों के लिए एक नई आशा की किरण आई है कि आपकी रोशनी बढ़ सकती है तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की रोशनी बढ़ सकती है। तो देखिए पास में क्या दिखाई दे रहा है। 8584283567 4 J4 देखो। ए पुअर कंट्रीमैन हुज नेम वाज HTCVXAVN। बारीक से बारीक अक्षर उभरना शुरू हो गए हैं दिमाग के पटल पर और आप पढ़ने में अब सक्षम होते चले जा रहे हैं। ये दूर की रोशनी बड़ी, साथ में पास की रोशनी भी बढ़ना शुरू हो गई है। ये क्या है? 102 है जी। गुड। रंग दिखने की शुरुआत हुई है, चाहे एक अक्षर हुआ है। एक और असाध्य बीमारी से आपने जीतना शुरू किया है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं जी। और जब आप यहाँ आए थे तो एक भी अक्षर आप नहीं पढ़ पाए। अब आप देश और दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसको RP की ट्रीटमेंट है, प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ आए, उनका RP और कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है, और कलर ब्लाइंडनेस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है जी। और आपका मोतियाबिंद के क्या पोजीशन है? मोतियाबिंद मेरी दोनों आंखों में आया हुआ है जी। दोनों आंखों में आया हुआ था, है, पर वो कम हो रहा है। तो जो आपकी रोशनी बड़ी है जी, वो आगे पीछे पर्दे में जान आने से और आगे मोतियाबिंद कम होने से रोशनी बड़ी है। बहुत सारी बधाई हो कि आपका मोतियाबिंद भी कम हो रहा है, पर्दे में ताकत आ रही है और आप पास का दूर का सभी देख पा रहे हैं। तो देश और दुनिया के लोग जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई व्यक्ति ठीक हो जाए, तो अब आपको लगता है कि आप पूरे 100% ठीक हो जाएंगे? उम्मीद है, मैं आऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा फिर। जिस विश्वास के साथ आप यहाँ आए डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ, क्या अब आपको वो पूरा होता लग रहा है? हाँ जी, मेरा विश्वास है, मैं तो अगली बार भी आऊंगा। आज तो जग गया जी, कंफर्म हो गया विश्वास। अब आप कंफर्म हो गए कि आपकी हर बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती है, हो रही है, हो रही और होती जा रही है। तो कोई भी हताश निराश व्यक्ति जो जिसके परिवार के लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो एक बार जरूर आए, एक बार अपना ट्रीटमेंट करा के देखे, उसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसको पता ही चल जाएगा जी, खुद ही पता चल जाएगा कि रोशनी बढ़ रही है, बढ़ सकती है, बढ़ रही है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है जी, हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।